पाली सिटी ट्रांसपोर्ट थाना अंतर्गत नया गांव के विष्णु कॉलोनी में खेलते समय 1.5 वर्षीय बालक पानी की बाल्टी में डूब गया और जब परिवार वालों को पता चला तो उपचार के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में लाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार विदुर पुत्र प्रेम कुमार जाति प्रजापत उम्र 1.5 वर्षीय निवासी विष्णु कॉलोनी नया गांव पाली मासूम पानी की बाल्टी के पास खेल रहा था। इस दौरान खेलते खेलते वो पानी की बाल्टी में गिर गया। काफी समय तक बालक नजर न आने पर परिजनों ने ढूंढना शुरू किया तो वह पानी में गिरा मिला, जिसे परिजन तुरंत पाली के बांगड़ अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। शिव 24 न्यूज अवतार मीडिया से संवाददाता ओम प्रकाश प्रजापत की खास रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी गुरुवार को श्रीगंगानगर दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने भीलवाड़ा की कोटड़ी तहसील में 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे भट्टी में जला देने की घटना पर कड़ा आक्रोश जताते हुए कहा, यह घटना सबको हिला देने वाली है, देश भर में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई होगी, राजस्थान इस प्रकार की घटनाओं में कलंकित हो रहा है, मुख्यमंत्री गहलोत को शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो इस प्रकार कुर्सी में क्यों चिपकते हुए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी गुरुवार को श्रीगंगानगर दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने भीलवाड़ा की कोटड़ी तहसील में 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे भट्टी में जला देने की घटना पर कड़ा आक्रोश जताते हुए कहा, यह घटना सबको हिला देने वाली है, देश भर में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई होगी, राजस्थान इस प्रकार की घटनाओं से कलंकित हो रहा है, मुख्यमंत्री गहलोत को शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो इस प्रकार कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि बच्चे को परिवार वाले जब पुलिस के पास मदद मांगने गए तो मदद के बजाय उल्टे सीधे सवाल पूछकर उन्हें परेशान किया गया। इस पूरे मामले में कोताही बरतने वालों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो सरकार नारी और बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, वह आमजन की सुरक्षा कैसे कर पाएगी। जयपुर से घनश्याम मिश्रा की खास रिपोर्ट। भीलवाड़ा में कोटड़ी तहसील में रात को जो घटना घटित हुई सबको हिला देने वाली है। 15 साल की बच्ची के साथ दुराचार करके उसको कोयले की इलीगल भट्टियों में जला देना, राख कर देना, मैं सोचता हूँ देश भर में ऐसी घटना नहीं। जब बच्ची गुम हो जाती है तो परिवार के लोग पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी बच्ची गुम हो गई। पुलिस को उनको मदद करने की बजाय उनको परेशान किया जाता है, कहाँ गई, क्यों गई, किसके साथ गई, आधार कार्ड लाइए। लेकिन जब गांव के लोग ही उस बच्ची को ढूंढने निकल जाते हैं, परिवार के लोग ही, तो एक कोयले की 5 भट्टियों में से एक भट्टी जलती हुई दिखाई देती है और उसमें जब पता चलता है, वो निकालते हैं तो कोई हाथ निकलता है, कहीं उसका कड़ा निकलता है, सब पता लगता है कि उस बच्ची को जिंदा जला दिया। ऐसी दरिंदगी घटनाएं राजस्थान में एक के बाद ये वही भीलवाड़ा है जहां कुछ दिनों पहले एक बच्ची के पानी की बोतल में पेशाब डाल दिया गया। अब जब लोगों ने इसको आक्रोश जताया तो उसके ऊपर लाठियां बांधी गई। ये वही भीलवाड़ा है जहां कुछ दिनों पहले एक बच्ची के साथ और दुष्कर्म हुआ। ये वही भीलवाड़ा है जहां स्टैंप के ऊपर बेटियों को, बच्चियों को बेच दिया जाता है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी शर्म के मारे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप गृह मंत्रालय नहीं समझता है तो क्यों ऐसे कुर्सी से चिपके हुए हैं। राजस्थान में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है जो राजस्थान को शर्मसार करने वाली, कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। आप नारी की, बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो राजस्थान की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। मैं सोचता हूँ इससे बड़ी निंदा तुरंत ही जिन लोगों ने इसमें कोताही बरती है, प्रशासन ने उस परिवार को गुमराह किया है, घुमाया है, ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। राजस्थान में इन दिनों महिला अपराधों में दिन व दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। एक के बाद एक दुष्कर्म और महिला अत्याचारों की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन्हें लेकर हर कोई स्तब्ध है। प्रदेश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। चुनावी साल में इस तरह की घटनाएं कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर राजसमंद से बीजेपी सांसद और जयपुर की पूर्व राजकुमारी
दिया कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भीलवाड़ा के कोतड़ी में एक 15 साल की बच्ची को कोयले के भट्टी में दुष्कर्म के बाद जला देना अपने आप में एक बर्बर घटना है, जो कि सिस्टम के असफल होने को दर्शा रही है, जो राजस्थान किसी जमाने में महिलाओं के गौरव का गवाह था, वही आज माँ बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार का साक्षी बनकर मुख दर्शक होकर सबको चुपचाप सह रहा है। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद रंजीत कोली भी मौजूद रही। दिया कुमारी ने जमकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए तथा मुख्यमंत्री गहलोत से इस्तीफा की मांग की। नमस्कार, आज मैं और रंजीता जी दोनों ही राजस्थान से सांसद हैं और बहुत ही भारी मन से आप लोगों के बीच आए हैं। बहुत ही भारी मन से, बहुत ही एक ऐसे हम लोग प्रदेश से आती हैं जो हमारे संस्कृति के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, महिला सम्मान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन आज राजस्थान की ये हालत हो रही है कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं पे इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है कि हमारी महिलाएं घर पे भी सुरक्षित नहीं। आज ही भीलवाड़ा में नरसिंहपुरा गांव में कोयले की भट्टी में एक बच्ची की जली हुई लाश मिली। जो बच्ची थी वो अपनी माँ के साथ खेत में थी, ये लोग बकरी चरा रहे थे और फिर एकदम से वो बच्ची नहीं मिली। उसके बाद परिजन गए, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की, उसकी खोज करने का प्रयास किया, फिर वो जो कोयले की भट्टी थी वहां गए और वहां पर उसकी बिल्कुल जली हुई लाश मिली है। और अब परिजन कह रहे हैं कि उसके साथ रेप हुआ है, गैंगरेप हुआ है और जो ये घटना हुई है उस पे जो एक्शन लेना चाहिए था वो राजस्थान पुलिस ने नहीं लिया। ये तो मैं आपको सिर्फ एक घटना बता रही हूँ। वही भीलवाड़ा में दो दिन पहले एक बच्ची के साथ स्कूल में कुछ लड़कों ने उसकी वाटर बॉटल में पेशाब भर दिया। इतनी घिनौनी घटना, इतनी ऐसी घटना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी घटनाएं राजस्थान में बार बार हो रही। कुछ दिन पहले हिंडौन में, करौली में भी एक घटना हुई थी जो एक बच्ची की लाश कुएं में मिली। उसके बाद जब परिजन रिपोर्ट लिखाने गए तब पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से जाओ क्योंकि तुम्हें ही बंद कर दिया जाएगा।